नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील टाइप पे। तो आज आपके सामने खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर एक मात्र ऐसी गाड़ी जो अपना लेगेसी मेंटेन करती है और इस लेगेसी के नाम पे ही लोग इसको खरीद रहे हैं और लोग कहते हैं कि इसमें फीचर्स नहीं मिलता है। तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं वो मिथ को दूर करने वाले हैं कि इस गाड़ी में आपको फीचर्स भी मिलते हैं, लेगेसी भी मिलता है, बोल्ड लुक्स भी मिलता है और इस गाड़ी के कंपटीशन में अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ पाई जो इसके कंपटीशन में इस गाड़ी के मार्केट को तोड़ सके। तो जैसे जैसे अपग्रेड करते जा रही है कंपनी भी इसको अपग्रेड करते जा रही है और एक नया लुक के साथ हमारे सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है। यहाँ पर आपको इसके DRLs मिलते हैं। लाइट सेटअप के साथ बात करते हुए देखें तो लाइट आपको यहाँ पर DRLs मिलेंगे। हाई प्रोजेक्टर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलते हैं LED के। यहाँ पर भी LED सेटअप मिलेंगे। दो आपको सेंसर्स फ्रंट में मिलते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी है तो सेंसर्स का भी यूज़ जरूर होगा। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिलेगा। इस जगह आपको काफ़ी अच्छा फिनिश मिलने वाला है। तो गाड़ी में फिट एंड फिनिश में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इस जगह आपको फिट एंड फिनिश देखिएगा तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और लुक्स ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आप देख लीजिए जितने भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं सबसे बोल्ड लुक यही गाड़ी प्रोवाइड करती है। और दाम भी उस हिसाब का आप कह सकते हैं मिलता है। क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट से गाड़ी को देखते हैं तो बहुत ही बोल्ड आपको गाड़ी देखने के लिए मिलेगी। कोई भी आपको कमी देखने में नहीं मिलेगा। बहुत ही क्विकली हम लोग साइड प्रोफाइल में आए। साइड प्रोफाइल में आपको सबसे पहले इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे और यही अलॉय व्हील्स आपको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि 4x4 है या 4x2 है। तो ये 4x4 सिग्मा 4 वेरिएंट है तो इसमें आपको इस टाइप के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किया जाता है। 4x2 जाएगा तो अलग टाइप का डुअल कट आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं, 18 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं और हाईवे टेरेन टायर्स आपको देखने के लिए इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अब टायर का डायमेंशंस क्या है तो वो है आपका 265/60R18। बहुत ही बोल्ड टायर आपको दिया जाता है। आप देख लीजिए कितना बोल्ट टायर आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मडफ्लाई वगैरह कंपनी की तरफ से लगा के नहीं मिलता है, वो आप एसेसरी लगा सकते हैं या कंपनी की तरफ से आप कॉम्प्लीमेंट्री मांग सकते हैं ये सब चीज़ को। लॉक अनलॉक पर ये विंडोज़ फोल्ड एंड फोल्ड तो ज़रूर होते हैं ORBMs और यहाँ पर आपको इसके मैट्रिक्स इंडिकेटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं और भी अगर हम लोग देखें तो आपको इस जगह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं। केवल इस साइड ही नहीं, आपको उस साइड भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेंगे। आप इसको आगे पीछे या अप डाउन सभी चीज़ तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और उधर भी सेम आपको फंक्शन मिलता है। उधर भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये हो गया इसका डोर पैनल। डुअल टोन में आपको डोर पैनल प्रोवाइड किया जाता है और ये आपको बटन्स वगैरह हो गया। हम लोग इंटीरियर में चलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको दिए जाते हैं लाइट ताकि अगर रात में आप कभी भी इसको डोर को ओपन करते हैं तो पीछे वाले गाड़ियों को पता रहे कि आपका गाड़ी का गेट ओपन है। नहीं तो रात में इस चीज़ को लोग हादसा समझ के आपको प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको डुअल टोन भी मिलता है, आपको लेदराइट मिलेंगे, सॉफ्ट टच मटेरियल और ये आपको सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अंदर में 10 कलर का सीट्स आपको मिलेगा और ये आपको पीछे भी सीट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको 60-40 स्प्लिट में ये सीट फोल्ड हो सकता है। ये आपका अकेला हो गया, ये दोनों आपको साथ में फोल्ड एंड फोल्ड होंगे। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, 120 वाट का आपको यानी कि 12 वोल्ट या 120 वाट का सॉकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। यहाँ से आपको ये दिया जाता है होल्डर ताकि आप कोई भी चीज़ को लटका सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक 4 kg का कोई भी प्लास्टिक वगैरह आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको लटका सकते हैं। तो ये हो गया बहुत ही क्विकली। हम लोग अगर इसके रेयर प्रोफाइल में आए तो समथिंग इस टाइप का आपको रेयर प्रोफाइल मिलता है। बूट सबसे पहले हम लोग ओपन करके देखें तो इलेक्ट्रिक आपको बूट मिलता है। सिंगल क्लिक पर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो बूट ओपन होने के बाद ये आपको जो स्पेसिफिक स्पेस मिलता है सातों सीट ओपन होने के बाद 296 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ से अगर आप चाहें इसके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे ये सीट फोल्ड हो जाएंगे और इतने होने के बाद भी अगर और आपको बूट स्पेस चाहिए इसको आप होल्ड करके ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और ये वेलक्रो के साथ यहाँ पर फंस जाएंगे तो आपका और बूट स्पेस बन जाएगा। तो आपको दो तरह से ये बूट को स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इतना में काम चल जा रहा है तो इतना में कर लीजिए, नहीं तो इसको आप अब भी कर सकते हैं। तो बहुत तरह से आपको क्लेवरली फंक्शन फीचर का यूज़ किया गया है। बहुत ही गाड़ी रॉ है, रफ है और आपको ये भी बूट स्पेस मोर देन इनफ मिलता है। अगर 2-3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ लटकाने के लिए स्पेस दिया जाता है होल्डर टाइप का, तो यहाँ से आप इसको कुछ भी चाहें तो लटका सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन मिलता है, ऑटोमेटिकली आपका ये बूट बंद हो जाएगा। इस जगह आपको दिए जाते हैं कंप्लीट LED बेस्ड टेल लाइट। सिग्मा 4 की बैजिंग मिलती है यानी कि आप ये गाड़ी 4x4 ऑल व्हील ड्राइव के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। चारों चक्के में इसका ताकत देखने के लिए मिलेंगे। पीछे 4 सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स भी रेयर में प्रोवाइड
किया जाता है। वाइपर वॉशर डिफॉगर था नॉर्मल चीज़, यहाँ इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर्चूनर की बैजिंग इस जगह मिलेंगे कंप्लीट क्रोम फिनिश में। यहाँ पर नंबर प्लेट हो गया, नंबर प्लेट रीडिंग लाइट्स आपको LED मिलने वाला है। हाई माउंटेड टेल लाइट्स मिलेंगे, सरफेस एंटीना भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। साइड में आए यहाँ पर आपको 80 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। इसमें आपको टाइम टू टाइम AdBlue भी इसमें डलाते रहना, क्योंकि डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ही क्विकली हम लोग गाड़ी के इंटीरियर साइड में चले, तो इंटीरियर भी गाड़ी का बहुत लग्जरी टाइप का प्रोवाइड किया जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत ही रॉ रहता है, आज के डेट के हिसाब से फीचर्स नहीं मिलते। हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर साइड में, दिखाते हैं क्या क्या फीचर आपको ये गाड़ी लेकर चल रही है और कैसा आपको कंफर्ट लेकर चलती है। गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं और इंटीरियर आप देख लीजिए। फॉर्चूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको इंटीरियर एकदम बेसिक सा मिलेगा, लेकिन बहुत ही प्रीमियम आपको फील देती है। लोग कहते थे कि फॉर्चूनर का इंटीरियर उतना क्लासी नहीं लगता है, लेकिन जब आप बैठिएगा, जब आप इसको खरीदने का मूड बना लीजिएगा और जब बैठिएगा आप इस इंटीरियर में, तो आपको समझ में आएगा कि कितना क्लासी आपको इंटीरियर इसका देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के साथ हम लोग बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स इस जगह दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे। ये आपको क्रूज कंट्रोल इस जगह दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया जाता, इस जगह दिया जाता है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाएंगे। इस जगह आपको सारे वाइपर वॉशर से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, सामने का और रियर का ऑटोमेटिक वाइपर वॉशर आपको मिलता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, इधर सारे कंट्रोल्स आपको उसके मिलेंगे। ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ होगी। अब इसका स्टीयरिंग व्हील का बात करते हैं, फॉर्चूनर को क्यों अलग माना जाता है। इसका स्टीयरिंग व्हील आप देख लीजिए, यहाँ पर हाई ग्लॉस मटेरियल का यूज़ किया गया, थोड़ा समथिंग आपको दूर से देखने में लगेगा। पियानो ब्लैक फिनिश या आप कह सकते हैं वुडन फिनिश में प्रोवाइड किया जाता है। इस जगह आपको कंप्लीट लेदराइट स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको स्टिचेस मिलेंगे कंप्लीट, बहुत बढ़िया से आपको स्टिचेस मिलेंगे, जो आफ्टर मार्केट लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। वो कंपनी की तरफ से जो आता है वो आपको आफ्टर मार्केट कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पर टोयोटा के लोगों मिलेगा। और ये आपको प्लेसमेंट एक स्टीयरिंग ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो। टाटा की तरफ अगर आप देखिएगा, थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत बड़ा स्टीयरिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत हैंडी स्टीयरिंग आपको मिलेगा, जो एक्चुअल में स्टीयरिंग होना चाहिए, जो साइज होना चाहिए और जो प्रीमियम फिनिश मिलना चाहिए और जो ग्रिप मिलना चाहिए जब आप इस को पकड़े, तो वो फील आपको ये गाड़ी की तरफ से आपको मिलने वाला है। और क्या मिलता है, इधर आप जाइएगा तो आपको सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलेंगे। ऑटो टच वन अप एंड डाउन दोनों आपको चारों में मिलते हैं। यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ORBMs को भी फोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सारे आपको इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा है कि आपको चारों वन टच अप और डाउन का फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। स्पीकर्स भी आपको बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर भी आपको ट्विटर्स मिलता है, यहाँ पर भी आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्विटर वगैरह सब चीज़ मिलाकर। यहाँ पर आपको ऑटो का फंक्शन मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक ARVM भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिरर मिलता है विथ लाइट, और यहाँ पर भी आपको मिरर मिलता है विथ लाइट, क्योंकि इधर मिलता है तो इधर भी आपको ज़रूर मिलेगा। मिरर विथ लाइट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्चूनर अपना लेगेसी मेंटेन करती है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी सनरूफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सनरूफ से ये जो पिलर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये पिलर आपको सनरूफ से गाड़ी के मजबूती के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इसलिए टोयोटा इस चीज़ को कभी लेकर नहीं चल रही फॉर्चूनर में। ये एक लेगेसी मेंटेन करने वाली गाड़ी है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको सनरूफ नहीं दिया जाता है। अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि सनरूफ भी आने वाला है इसमें। और अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही डिसेंट सा एनालॉग, आपको डिजिटल एनालॉग कह सकते हैं, समथिंग आपको यहाँ पर टाइमर दिया जाता है। टाइम आप देख सकते हैं इस जगह से, हजार्ड लाइट का भी बटन मिलता है। बहुत ही अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इस जगह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश का थीम, यानी कि पियानो ब्लैक फिनिश का मटेरियल यूज़ किया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको वाइट दिख रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा हुआ है। एक सेकंड मैं इसको चेक करता हूँ। तो आप देख लीजिए समथिंग इस टाइप का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बटन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ से होम में आप जाइएगा तो होम में चले जाइएगा, और ये होम ही है। और इस जगह आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑडियो मेन्यू, यहाँ पर आपको ट्रैक वगैरह सब बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल बटन्स भी मिलेंगे। और ये समथिंग इस टाइप का आपको थीम प्रोवाइड किया जाता है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो इस गाड़ी में सपोर्ट करता है, तो इस गाड़ी से आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह का सपोर्ट ले सकते हैं। तो फ़ोन प्रोजेक्शन आप यहाँ से करना चाहते हैं तो फ़ोन में जाइएगा तो नो ब्लूटूथ कनेक्टेड, ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिएगा तो आपका सारा चीज़ वो कनेक्ट हो जाएगा। रीऑर्डर वगैरह बहुत सारा, मतलब बहुत ही डिसेंट सा बेसिक सा थीम दिया गया है, लेकिन जो फील आता है वो आपको अल्टीमेट लेवल का मिलेगा। आपका सारा जितना भी वर्कफुल होना चाहिए वो आपको इस स्क्रीन से मिल जाएगा। ये फॉर्चूनर उतना लेकर नहीं चलती है कि आपको बड़ा सा स्क्रीन दे दे, ये दे दे, वो दे दे। बहुत ही डिसेंट सा भौकाली वाली जो गाड़ी कहा जाता है, और जो
पॉलिटिशियंस लोग यूज़ करते हैं, और कंफर्ट लेवल अल्टीमेट लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में। तो ये आपको बहुत ही डिसेंट सा स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है। और अब बात करें हम लोग इसके यहाँ पर कंट्रोल्स के, तो आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। यहाँ पर आपका रेयर एसी इवेंट्स का ऑन करने का बटन मिलेगा, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ई सर्कुलेटर इन आउट वाला। यहाँ से आप इस डिफॉगर्स को ऑन कर सकते हैं, या फिर आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं किधर आप थ्रो चाह रहे हैं एसी इवेंट्स का अपना। यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर का आपको बटन मिलता है। ऑटोमेटिक सिंगल जोन भी यहाँ पर है, डुअल जोन भी आपको है, तो आप अपना अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कुछ वेंटिलेटेड सीट्स भी इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का आपको यहाँ पर कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। डीएससी भी मिलता है यहाँ पर आपको देखने के लिए। और जैसे कि ये गाड़ी में 4x4 आता है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, तो H2, H4, L4, तो ये सारे आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी अपना पावर इनपुट सारा, जितना भी चक्के में पावर किस चक्के में देना है, क्या करना है, कैसे अब ये गाड़ी परफॉर्म करेगी, RPM कितना सेट रहेगा, उस हिसाब से 4x4 का जो फंक्शन का दिया जाता है यहाँ पर दिया जाता है। थार वगैरह में वो छोटा सा नॉब दिया जाता है, यहाँ पर ये रेगुलेटर प्रोवाइड किया जाता है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पर आपको मिलता है, और USB सॉकेट भी आपको इस जगह प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सके या मोबाइल को कनेक्ट कर सके। यहाँ पर आपको बहुत ही प्रीमियम फिनिश में ये दिया जाता है। 2 का फोल्डर्स भी मिलेगा, और ये आपको क्लोजिंग प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं PRND दिया जाता है, और बहुत ही अल्टीमेट लेवल का अच्छा आपको फील प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी ऐसा हेजिटेशन ना मिले। फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है जो लोग बिना फीचर्स का देख कर लेते हैं, वो उसके आउटर लुक्स आपको जैसे हमने दिखाया था, उस लुक्स के ऊपर वो लोग गाड़ी को खरीद लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 मोड आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग गाड़ी परफॉर्म करेगी। यहाँ पर डिफरेंशियल लॉकिंग का भी बटन मिलेगा, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन मिलेगा। ये आपके हैंडरेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, कंप्लीट लेदराइट सॉफ्ट टच हैंडरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी कमी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है गाड़ी में। यहाँ से आपको कैश रखना है, बड़े बड़े लोग जो फॉर्च्यूनर खरीदते हैं कैश रखते हैं, यहाँ कैश रख लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास इस जगह प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर लॉक का भी बटन दिया जाता है, जो आप चाबी से ये जो की रहते हैं यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं इस जगह से। तो ये आपको कुछ इस टाइप के कीज़ मिलते हैं, कंप्लीट रैप्ड रहते हैं, जब नया आप गाड़ी लीजिएगा तो इस टाइप से आपको कीज़ रैप्ड मिलेंगे, ताकि एक स्क्रैच तक गाड़ी में देखने के लिए ना मिले। तो ये सारे आपको फंक्शन फीचर इंटीरियर से फॉर्च्यूनर में देखने के लिए मिलता है। तो ये फील आने वाला है जब आप इस गाड़ी में 48.5 लाख रुपये लगाइएगा, तब हम लोग प्रॉपर स्पेक्स इसमें इंजन में क्या मिलता है नहीं मिलता है उसको हम लोग चल के बाहर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो। सो हम लोग इंटीरियर का फीचर तो देख लिए गाड़ी का, अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स के। एक्सटीरियर लुक्स भी ओवरऑल हमने देख लिया, अब मेन पार्ट आता है इसके इंजन के ऊपर। तो इंजन आपको 2.8 लीटर्स का बहुत ही मैसिव बोल्ड इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो 201 BHP का पावर और 500 NMs का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलेगा 2755 cc का, 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। तो आप पावर टॉर्क के मामले में इस गाड़ी को कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं, और कभी भी आपको नहीं कह सकते हैं कि इस गाड़ी में पावर टॉर्क आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। पावर टॉर्क से कभी निराश नहीं करेगी। 4x4 है तो आप ऑफ रोडिंग भी ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया जाता है। आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए, यमदूत का जोटा जो लोग कहते हैं, उस हिसाब की गाड़ी आपको ये देखने के लिए मिलती है। और जब ये गाड़ी चलती है तो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का बहुत ही बोल्ड आपको देख निकल कर आने वाला है। प्राइस के साथ बात करें तो प्राइस आपका ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में अगर ऑन रोड हम लोग देखा जाए तो 48.5 लाख से लेकर 49 लाख रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे प्राइस डिफर करे, इसलिए मैं अप्रॉक्स बता दिया कि 48,50,000 से लेकर 49 लाख रुपये तक इसका प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा ऑन रोड प्राइसेस। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट व्यू बहुत बोल्ड है, इंटीरियर बहुत ही बोल्ड है, गाड़ी चलाने में बहुत बोल्ड है। बहुत जल्द इसके साथ हम लोग टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, ओवरऑल टेस्ट करेंगे कितने टॉप स्पीड तक जाता है, 0 to 100 कितने देर में जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी कोई भी आपको डाउट रहे, कंसल्ट रहे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली, ताकि आपको हम लोग बहुत ही बेस्ट ओपिनियन अपने साइड से प्रोवाइड कर सके, आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है या नहीं, या इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी की तरफ आपके लिए जाना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे। यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी ऐसे अपडेट मिस ना हो। और भी बहुत टोयोटा की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारे का अपडेट्स बहुत जल्द आने वाला है। टिल देन थैंक यू सो मच, अभिषेक रॉय साइनिंग आउट। जय हिंद।